नमस्कार देवी और सज्जनों, आप खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। अगर आपने ये 3 सवाल के उत्तर दे दिए तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए। पहला सवाल, ये क्या है? दिवाली, सही आंसर है। दूसरा सवाल, ये क्या है? घर, फिर से सही उत्तर। तीसरा सवाल, ये क्या है? अगर आपका जवाब लैपटॉप है सो यू आर रॉन्ग, ये मेरा लैपटॉप है। अभी बात ऐसी है कि दिवाली में मैं घर गया था एंड वहाँ मुझे मेरा पुराना लैपटॉप मिला। सो आई थॉट लेट्स सी उसमें क्या कचरा भरा पड़ा है, देखते हैं अपन। एंड उसमें मुझे एक फोल्डर दिखा, उसके अंदर एक और फोल्डर दिखा, उसके अंदर एक और फोल्डर दिखा, एंड उसमें मुझे मेरा सबसे पहला बनाया हुआ माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड दिखा। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया था एंड मैं खुद भूल गया था कि मैंने उसमें क्या क्या बनाया था। सो आई थॉट मेरा बनाया हुआ वर्ल्ड क्यों ना तुमको दिखाया जाए। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। आज मैं तुमको मेरा सबसे पहला वर्ल्ड दिखाने वाला हूँ जिससे मेरे माइनक्राफ्ट खेलने की शुरुआत हुई थी। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, सो 1, 2, 3 टेडे, ये है मेरा सबसे पहला बनाया हुआ वर्ल्ड। तो चलो तुमको टूर कराता हूँ। तो आई थिंक वो वाले घर पे सबसे आखिरी में जाएंगे। सबसे पहले तुमको दिखाता हूँ मेरा सबसे पहले बनाया हुआ स्ट्रक्चर, जो कि है शिवलिंग। इसको आई थिंक शिवरात्रि के दिन बनाया था एंड मेरा प्लान था कि एक मॉन्टाज बना के यूट्यूब पे अपलोड करना, बट वो कभी अपलोड हुआ ही नहीं। सो हियर इट इज़। इसी का फिर रेप्लिका मैंने अपने नए वाले वर्ल्ड में बनाया था, बिकॉज मुझे लगा था कि ये वाला वर्ल्ड डिलीट हो गया है, बट वाओ आई फाउंड इट। सो अपना ओरिजिनल वाला शिवलिंग इज़ बैक। अभी ये है मेरा घर, बट वो जो है वो सबसे आखिरी में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये दिखाता हूँ। सो ऊपर वहाँ पे एक्सवी फार्म, नीचे यहाँ पे फूड फार्म, एंड ये जो है ये खुद के लिए अंडर वाटर घर बनाना शुरू किया था मैंने, लेकिन वो काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग हॉल बन गया। सो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो बन गया वो बन गया। सो अगर यहाँ से मशालों के बीच से अंदर जाएंगे तो यहाँ बैठे हैं अपने दो चेले, अगड़ू बगड़ू। ये बगड़ू है, ये अगड़ू है। पता नहीं फॉर सम रीज़न ना मेरे से चिड़े ही रहते हैं हमेशा। पता नहीं क्या किया है मेरे साथ। क्या भाई, क्यों ढंग से बात क्यों नहीं कर सकते तुम मेरे से? हाँ, हमेशा चिड़ा क्यों रहना है? एनीवेज, तो यहाँ पे है अपने सारे लाइब्रेरियन। मस्त एकदम बाहर पानी का व्यू लेते बैठते हैं। आई थिंक इसके पास, यप, इसके पास इन्फिनिटी है, ये मेंडिंग वाला है, ये फॉर्चून है, नाइस, ये लूटिंग वाला होगा, यप, एंड ये एफिशिएंसी वाला है। हाँ, प्रॉड 4 वाला भी था, लेकिन गलती से उसको मैंने एक बार मारा, उसके बाद फिर वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया। बेचारे के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं है। ठीक है, अभी देखो उस टाइम पे जो मुझे लगा कि जो सबसे बढ़िया वाले एंजेंट है, वो सारे मैंने अपने लुटेरे दुल्हन में लगा दिए। सो ये उस टाइम के हिसाब से मेरी सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉर्ड थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आओगे तो ये है मेरा फूड फार्म। मैंने सोचा कि वो वाला जो बिल्डिंग है ना, वो अगर अंडर वाटर बनाया है तो क्यों ना ये वाला भी अंडर वाटर बनाया जाए। सो अगर तुम यहाँ पे आओगे तो ये है मेरे फार्म का फर्स्ट लेवल। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा झरना, फिर है सेकेंड लेवल, उसके नीचे थर्ड लेवल, एंड ये झरना छोटा सा जाता है एक छोटे से पॉन्ड में जिसमें ये दो चंटू बंटू रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अपने लामास, वहाँ छोटे छोटे पेन बने जहाँ पे गाय, डुकर, वो सब मस्त चिल मारते आराम से। एंड यहाँ पे है अपना शुगर केन फार्म, एज अ डेकोरेशन रखा था उसको, बट ठीक है फार्म भी बन गया वो। अभी उनको ऑटोमेटेड नहीं किया मैंने, बिकॉज मुझे ना बाहर का व्यू चाहिए था यहाँ से, कि अगर तुम बाहर देखोगे तो मस्त तुमको अंडर वाटर का नज़ारा दिखेगा, विच इज़ गुड। अभी ये तो हो गया ऊपर का दिखावा कि हाँ भाई यहाँ पे एक फूड फार्म है, लेकिन एक्चुअली फूड फार्म है वो इसके नीचे है। सो अगर तुम यहाँ जाओगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे सेटरेट आउट है अपने। तू यहाँ बाहर क्यों घूम रही भैया? प्रिजन ब्रेक चल रहा है क्या? पानी से भागने की कोशिश कर रही है? हैं, सुन लो रे बाबा, जो भी भागने की कोशिश करेगा ना, समझ जाना उसका क्या हाल होगा। अभी ये जो चिकन है ना, इनसे डील करने में इतना मज़ा आता है ना। ओहो हो, कितने दिए अंडे, ओ क्या बात है। अभी अपन चुपचाप यहाँ खड़े हो जाएंगे एंड तो कहता है कि एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है एंड उसमें से कुछ कुछ चिकन निकल जाते हैं जो कि बड़े होकर और अंडे देते हैं जिससे और एंटरटेनमेंट होता है। तो कैसा है कि एंटरटेनमेंट जारी रहता है अपना। अभी नेक्स्ट जो लाइन में है वो है अपना एक्सपी फार्म। सो मैंने कुछ भी एक आइडिया सोचा था कि ऐसा बड़ा सा पेड़ बनाऊंगा एंड पेड़ के टॉप पे एक्सपी फार्म रहेगा एंड फिर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, लेकिन फिर आई थॉट कि कुछ हटके करते हैं। सो मैंने पेड़ को हवा में लटका दिया। कुछ हटके हो गया वैसे, बट ऊपर जाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसलिए फिर मुझे वो लिफ्ट बनानी पड़ी। बट इट्स काइंड ऑफ अ कूल लिफ्ट, बड़ी मजा आती मेरे को उससे ऊपर जाने में। अरे
अभी यहाँ से नीचे गिरते हैं अपन, तो उस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा अपन को। एंड क्या लूट है अभी तक? ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। एरो दे दो भैया, मेरी इच्छा से मैं चोरी कर रहा हूँ। बताओ, अभी मॉब नहीं आए सो अपन देखो, अगर मॉब नहीं आए तो यहाँ से सीढ़ी से अपन ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या भाई क्यों नहीं आ रहे मॉब। अभी ये एक्सपी फार्म की एक खासियत है कि ये ऊपर से टकला है मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसको इंटेंशनली टकला रखा है, बट हुआ ऐसा कि सामने से वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था तो मैंने सोचा कि उसको ऊपर से कौन ही देखेगा, इसलिए उसको टकला रहने दिया। उसके बाद पहले काम करते अपन सो जाते हैं। सो वो मैंने घर बना के रखा है, लेकिन वो छोड़ के मैं अपने बेचारे छोटे से बंकर में सोता हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग से यही बेचारा मेरा घर है। सो यहीं पे सोएंगे अपन फिलहाल तो। एंड अभी दिखाता हूँ तुमको मेरा घर। सो ये है एंट्रेंस, उसके बाद ये छोटा सा पॉन्ड है। अभी मेरा प्लान ऐसा है कि ये पॉन्ड में एक्सेलरेटर्स डाल दूँ, तो सारे के सारे अलग अलग कलर के जितने भी वेरिएशंस है वो सारे यहाँ पे तैरेंगे टर्टल के साथ। उसके बाद यहाँ से बाहर निकले, ये अपना मस्त वाटरफॉल चल ही रहा है। एंड उसके बाद ये है मेरा घर। एक एक लावा आपकी बाल्टी उठा के ये पैटर्न बनाया भाई साहब, बहुत मेहनत लगी थी इसमें। यहाँ पे है मेरा किचन। फ्रिज में कुछ है क्या? ओह, फ्रिज में खाना है। अभी किचन के बाद आता है अपना वॉर रूम, जिसमें अपने पूरे आइलैंड का नक्शा है। सो यहाँ पे दिख रहा है ये जो होम स्वीट होम, यहाँ पे अभी अपन है। एंड बाकी जगह तो तुमने देख ही ली है, जैसे कि शिवलिंग हो गया, फूड फार्म हो गया, ट्रेडिंग सेंटर हो गया, एक्सपी फार्म हो गया, ये सब हो गया ना। अभी ये जो एरिया है यहाँ पे मैं ढेर सारे नए नए स्ट्रक्चर बनाने वाला था, बहुत सारे आइडिया भी थे मेरे दिमाग में, लेकिन फिर मुझे आरएल क्राफ्ट दिख गया एंड मैंने ये खेलना छोड़ के वो खेलना स्टार्ट कर दिया। एंड ये देखो, ये है मेरे बिल्ड का सबसे बड़ा गोबर, क्योंकि मैंने इतना पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ सिमेट्री में बना दिया, एंड उसके बाद ये बनाया मैंने। क्योंकि बाद में जब मैंने ब्रिज बनाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे इधर जो है ये कुछ मैच नहीं हो रहे डिस्टेंसेस के, तो कुछ तो भी जुगाड़ के लिए वहाँ पे वॉल बना दी मैंने। बट ठीक है, दूर से उतना समझ भी नहीं आता है, सो आई गेस चलने देंगे अपन, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ये वर्ल्ड मैंने 1.16 वाले वर्जन में किया था, एंड उसके बाद लेटेस्ट वर्जन का मेरे पास कुछ नहीं है। सो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना आज एले और एक्सेलरेटर पकड़ के लाया जाए, सो दैट अपन ये वाले वर्ल्ड को रेडी कर देंगे 1.20 के लिए। सो जैसे ही 1.20 आएगा अपन पट से कैमल और स्निफर को पकड़ के यहाँ पे ला लेंगे। सो लेट्स गो, अपन निकलते हैं एले एक्सेलरेटर ढूंढने, एंड लेट्स सी जो मिल पाता है उसको पकड़ के ला लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लाएंगे। टूटा फूटा घटिया सा पहाड़ दिखा, सो आई थिंक अपन 1.19 के जनरेशन में आ चुके हैं। यप, अभी पूरा नया वर्ल्ड एक्सप्लोर हो रहा है। सो यहाँ पे अपन को आंखें गड़ा के देखना पड़ेगा कि वुडलैंड मैंशन, नहीं वुडलैंड मैंशन नहीं, कौन सा रहता है वो, इलेजर आउटपोस्ट या फिर कहीं तो भी एक्सलॉटल का घर कहीं दिख रहा है क्या? कहाँ है क्या? ओह यहाँ गड्ढा है, मे बी यहाँ पे हो सकता है एक्सलॉटल। कुछ नहीं है यहाँ पे तो। हट लश केव के लिए आई थिंक अपन को डिक करना पड़ेगा, राइट? छोड़ो, अगर ऊपर दिखा तो अपन जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो नहीं। क्या बात है, एले दिख गया अपन, एले का घर दिख गया। अरे यार उड़ते उड़ते मारने वाला था उसको, बट शिट थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा अच्छा, जल्दी दौड़ गया, एक नंबर, सारे के सारे नीचे जमा हो जाओ, एक नंबर। अभी तुमको यहाँ से आराम से मारूंगा मैं, बढ़िया बढ़िया, सारे आ जाओ भाई। अरे क्या है ये, आ जाओ, मतलब इतनी पब्लिक को आने नहीं बोला था, क्या है ये? हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? क्या ये नॉर्मल है? आई डोंट थिंक इतना नॉर्मल रहेगा, राइट? तो हाँ ही बोलेंगे। अपने काम करते नीचे जाते हैं, एंड इतना क्लोज जाते हैं ताकि वो खुद ही के एरो से खुद ही को मारे, राइट? ओके, आ गया तुम्हारे पास, मारो अभी मेरे को। अरे भाई क्या लोगे ये, मारो मारो मारो, एक नंबर। खुद ही को मार रहे वो, एक नंबर, ऐसे मारते रहो खुद को। मैंने काम करते, ए भाई रुक, ए माँ कसम हिलने नहीं देते रे, बाप रे ये लोग। अबे क्या बेशरम लोग, रुको ना मेरे को शील्ड बना दो भाई, उसके बाद आता हूँ तुमसे लड़ने के लिए। रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 सेकंड रुक जाओ बस। कहाँ से मारे पता नहीं, कहाँ भाई, मेरे को तो लगता है आजू बाजू के विलेज से भी इन्होंने बुला लिया अपने साथी। आओ बोले, यहाँ पे एक बंदा आया उसको मारना है। वो देखो फिर आ गए। अरे यार तुम पहले जैसा तुमने जमावड़ा नहीं बनाया यार, ये गलत है। वट हाँ,
एक नंबर ऐसी खुद को मारो अरे यार बट ये लोग अगर कैप्टन को मारेंगे तो बैड ओमन किन को मिलेगा, उनको मिलेगा या मेरे को मिलेगा हैं? ये तो गलत हो जाएगा अगर बैड ओमन उनको मिल गया तो। आ जाओ एक काम करो, सारे के सारे यहाँ पे आओ, यहाँ से तुमको मारता हूँ मैं। एक नंबर ये ऐसे ही आते जाओ। नाइस सही है ऐसे ही रहो। ये वाला एंगल बढ़िया एकदम। वी मेड इट बैड ओमन। अभी अपन को ट्राई करना है कि बाकी कैप्टन को मार के लेवल बढ़ाना बैड ओमन का। आ जाओ एक नंबर, सारे आ जाओ एक एक करके। यो साहब मे आई कम इन तुम्हारे प्रेजेंट में आई गेस? येलो हेलो। तो चलो तुम एक पहनो, तुम दूसरी पहनो एंड लेट्स गो। किसी को बताना मत कि मैं यहाँ से तुमको छोड़ा के ले जा रहा हूँ। ओके लेट्स गो। ओए तेरा भाई कहाँ है? ओए एक ही क्यों आया? डूड इसकी लीड कैसे टूट गई? हाँ ज़्यादा स्पीड में उड़ गया क्या मैं? अरे भाई अच्छा हाँ बोल रहे हो। ओके ठीक है नेक्स्ट ट्राई लेट्स गो। माँ कसम फिर से लीड टूट गई है। ओके ठीक है किडनैपिंग छोड़ के अपन को डायरेक्ट इनको फाइट करके लेके जाना पड़ेगा। आ जाओ अबे एक दूसरे को मारने में बिजी हो, इधर हमको मारो। मेरे से लड़ना ही नहीं किसी को, एक दूसरे से मार के हेल्थ कम हो गई उनकी। वो देखो ऐसे गधे लोग कैसे जीते हो रहे तुम। ओके ठीक है चलो तुमको टॉर्च पकड़ा दिया, अभी लेट्स गो अपन विलेज जाएंगे अपने। फॉलो मी। किधर है भाई ये लोग? अरे यार ये लोग अभी कहाँ रह गए? हेलो भाई क्या ही हल्लू हल्लू आते हैं यार ये पीछे कर रहे बेशरम लोग, तेज चलो थोड़ा। फाइनली घर पे आ गए रे बाबा अपन फाइनली। डूडी मेरे पीछे नहीं है, माँ कसम फिर से कहीं तो भी रह गई। अरे यार मकड़ी ऐसी क्यों है ये बता मेरे को। आओ ना दीदी चलो ना साथ में, वैसे भी जो दूसरा वाला था वो तो कहीं तो भी घूम गया। ये एक ही बची है, प्लीज आ जा मेरे साथ साथ। अभी तुमको दिखाता हूँ मैं मेरे विलेज की खासियत। भाई साहब इतना इजीली रेड कंप्लीट होता है ना मेरा, ओहो हो। बट माँ कसम मेरा अंधा वायरन गोले में बाबा क्या कर रहा उधर खड़ा है देखते बैठा है वो। लेकिन कोई ना, ये पानी में डैमेज निगेट हो जाता है क्या? मतलब एक भी हार्ट मेरा कम नहीं हो रहा है क्या? चल क्या रहा है वो देखो, अच्छी बात है अपने लिए अच्छा है बट ठीक है। ए विच दूर है विच दुनिया विच, हम विच को मारेंगे बिकॉज तेरे विच विच को हमसे अलग रखेंगे। क्या ही शायरी है ओहो हो। एक नंबर। ए विच 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 पॉइजन वॉइजन नहीं छोड़ने का भाई। वारे ये गधे को देखो, पूरी दुनिया रेड पे आई है और वो वहाँ पे बोट में एंजॉय करते बैठा है। बताओ एरो वाले चले गए ना, ठीक है अभी तुमको मैं दिखाता हूँ मेरी डुबकी मार स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मस्त अपन डुबकी मारेंगे एंड अटैक एंड फिर से डुबकी। एक भी रेड इसके कारण हारा नहीं हूँ मैं। ओहो हो क्या ही स्ट्रेटजी है मेरी, कुछ कुछ मिस हो जाते हैं लेकिन बाकी भाई साहब क्या ही पढ़ते हैं उनको। ये इस विलेज की स्पेशलिटी है द डुबकी मार अटैक। भाई साहब क्या ही स्ट्रेटजी है, ओहो हो इसके कारण इतनी सारी रेड मैंने ख़त्म की है ना। ओहो मतलब आई थिंक एक ही रेड ख़त्म की है इसके पहले, ठीक है बोलने में क्या जाता है, तुमको थोड़ा स्टैटिस्टिक दिखाने वाला हूँ। भाई साहब क्या टोली लेके आया एकदम। सारे के सारे एक्स पकड़ के। बट कोई नहीं पहुँच पाएगा हम तक, समझे कि नहीं समझे हैं फ्लैग बेरर इधर। भाई साहब क्या ईजी है ये रेड कम्प्लीट करना। ओहो बैड ओमन 3 वाली रेड भी कुछ नहीं कर पाएगी। माँ कसम मे भी रेवेजर कुछ तो भी कर पाएगा। हाँ अभी प्रॉब्लम है कि ये बंदा यहाँ पे है, मेरा आयरन गोलम उधर है, दोनों का भी मिलन कैसे कराऊँ मैं? यार ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, क्या चल रहा है ये? बेचारा कितना सैड दिख रहा है वो देखो। अरे रे बेचारे भी दया आ रही है मेरे को। इधर आ ना भाई, उस पर बैठते भी नहीं बनता यार। काश ऐसा हो पाता कि उसके ऊपर का राइडर मरने के बाद अपन उस पर बैठ पाते, काश। भाई ये तो कोई अटैक ही नहीं कर रहे, तो भाई इसकी पूरी लड़ने की इच्छा खत्म हो गई पूरा। सही बता रहा हूँ इसका ना विल पावर पूरा खत्म हो गया है, उसके ऊपर के राइडर को मारा ना अपन ने, इतना बड़ा डिप्रेशन में चला गया बंदा कि अभी मारने की इच्छा ही खत्म हो गई उसकी। हेलो भाई इस पर तो लीड भी काम नहीं करती यार, क्या है ये? हेलो एक काम करते हैं, रेड गई भाड़ में, इसको अपन नेम टैग लगा के
यहीं पे रख लेते हैं अपने साथ, क्योंकि अहिंसावादी रेवेजर पहली बार देख रहा हूँ मैं लाइफ में। तो आज से तेरा नाम है ढल्लू, ढल्लू द रेवेजर। Who's a good boy? Who's a good boy? Yeah. भाई यही पे खड़ा है ये तो। ओके, तो मैंने ना ऐसा इसके लिए एनक्लोजर बना दिया है ताकि कहीं भाग ना पाए, बट ठीक है, भाग के कहीं जाएगा, फिलहाल तो मस्त मजे कर रहा है, स्विमिंग एंजॉय कर रहा है वो, तो ठीक है करने देते उसको। सो आई थिंक आज का एपिसोड अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।